क्या हुआ? स्कूटर में पेट्रोल खत्म हो गया क्या? ऐसी बात नहीं है बड़े भैया, दरअसल पतलू के चाचा से स्कूटर लिया है चलाने के लिए, लेकिन बिना हेलमेट पहने स्कूटर या मोबाइल चलाना नहीं चाहिए, इससे हमारी जान को खतरा है और पुलिस भी पकड़ लेती है। इसीलिए हेलमेट की दुकान ढूंढ रहे हैं, कहीं मिल ही नहीं रही। इनको ये पुराना मुकुट बेच देता हूँ, कितने सालों से पड़ा है कोई खरीदता ही नहीं। ये लो, बगल में छोरा, शहर में ढिंडोरा। अरे भैया, मैं किस दिन काम आऊंगा? मैं तुम्हें इंडियन हेलमेट देता हूँ, ऐसा हेलमेट जिसे बड़े बड़े राजाओं ने पहना है। ये तो मुकुट है, हेलमेट कहाँ है? यही तो इंडियन हेलमेट है। हाँ, क्या बोलते हो? और तुम लोग भी तो फुरफुरी नगर के राजा हो। वो तो है। फिर देर किस बात की, ले जाओ इसे और अपनी शान बढ़ाओ, एकदम सस्ते में दूंगा भैया। एकदम सस्ते में? अब कितना दे? जो चाहे दे दो। बात में दम है बड़े भैया। चलो आज पीछा छूटा उस पुराने मुकुट से। अरे ये रोशनी कैसी थी? कम अकल मंत्री, ये हमारा तेज है जो चारों तरफ फैला है। अच्छा अच्छा, अब बक बक बंद कर मोटू और स्कूटर चला। क्या कहा मोटू? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि फुरफुरी नगर के महाराजा मोटेश्वर को मोटू कहा? मंत्री, पहली गलती है, क्षमा कर रहा हूँ, दोबारा ऐसी गलती हुई तो सर कलम कर दूंगा। अच्छा अच्छा, अब स्कूटर चला। क्या कहा? हम वाहन चला के तुम्हारा सारथी बने? इतनी हिम्मत? हम राजा है, हम बैठेंगे, तुम वाहन चलाओगे। सारथी वाहन चलाओ। तो फिर हेलमेट मुझे दो। हमारा मुकुट छीनता है देशद्रोही गद्दार, ये ले। मंत्री, अरे मंत्री कहाँ जा रहे हो? वाहन कौन चलाएगा? चक्कर आ रहे हैं, चक्कर आ रहे हैं। अरे इसे क्या हो गया? सचमुच राजा की तरह हरकत कर रहा है, और क्या जोरदार थप्पड़ मारा है। इतनी ताकत कहाँ से आ गई? कुछ तो गड़बड़ है। अब फिर कभी हमारा मुकुट छीनने की गलती करोगे? नहीं महाराज, हरगिज नहीं। चलो देखते हैं कि हमारे राज में कहीं महंगाई तो नहीं बढ़ रही। अरे भैया, समोसे क्या भाव दिए? अब ये नया ड्रामा क्या है, कोई नाटक कर रहे हो? रे, समोसे का भाव पूछ रहे हो, पहले का पैसा तो दो। मंत्री ये क्या कह रहा है? तुम हमारी प्रजा से उधार खाते पीते हो, हम ये हरगिज बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे मंत्री की भूल को क्षमा करना मित्र, हम आज ही अपने खजाने से 100 सोने के सिक्के तुम्हें भिजवा देते हैं। रे भाया, ये मोटू को क्या हुआ? सब ठीक तो है? पता नहीं क्यों अचानक पागलों जैसी हरकत कर रहा है। तुम प्लीज इसे संभालो, मैं डॉक्टर झटका को फोन करता हूँ। चाय वाले, हमारे महाराज मोटेश्वर को जलेबी भी खिलाओ, हम अभी सोने के सिक्के लेकर आते हैं। जी मंत्री जी। इससे मेरा क्या होगा? थाल भर के लाओ। अरे पैसे क्या तुम्हारे पिताजी देंगे? अपमान, हमारा अपमान हुआ है, हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। आओ, हम तुम्हें युद्ध के लिए ललकारते हैं। अरे आज तेरा हिसाब बराबर कर ही देता हूँ, कब से इस दिन का इंतजार कर रहा था मैं। आज तेरा अंत आ गया है, अपने ऊपर वाले को याद कर ले। ये ले, ये ले, और ये ले। अंत मेरा नहीं, तुम्हारा आ गया है। अरे कब से तरस रहा हूँ तुम्हारी धुलाई करने के लिए। ये ले, ये ले, ये ले। तू भी ले। Ah!
महाराज रुकिए रुकिए। ये सब क्या हो रहा है? हम क्या कर रहे हैं? हम झगड़ क्यों रहे हैं? अरे मेरा मुकुट, हम अपने अपमान का बदला जरूर लेंगे। आज तुम्हें खत्म करके ही रहेंगे। मंत्री तुम बीच में मत आना। इस मुकुट को पहनते ही मोटू खुद को महाराजा समझने लगता है। इस मुकुट में ही कुछ जादू है। मोटू पागल हो गया, मोटू पागल हो गया। रुको, अरे महाराज को कहा, मेरा मतलब है मोटू को कहा ले जा रहे हो? हमें यहाँ इस तरह जबरदस्ती क्यों लाया गया है? अपने मंत्री को फोन करके कहो कि हमें 20 लाख सोने के सिक्के चाहिए, वरना हम तुम्हें मार देंगे। मोटू मोटू, 20 लाख ज्यादा है तो 15 लाख मांग ले। मुझे मारा, ये देखो मेरा क्या हाल कर दिया। मुझे मोटू कहा? हम महाराजा मोटेश्वर हैं, फुरफुरी नगर के राजा। हमारे लिए 15 लाख मांगा है? छोटे आदमी छोटी सोच। महाराजा सर, तो फिर कितना मांगे आप ही बताइए। कम से कम 20 करोड़ मांगू। क्या कहा, 20 करोड़? सुना तुमने नंबर दो। उसे उठाओ, अभी 20 करोड़ मिला नहीं है। महाराज अगर आप अपने मंत्री पतलू को फोन कर दे तो वो 20 करोड़ ले आएगा। हम महाराजा हैं, हम किसी को फोन नहीं करते, लोग हमें फोन करते हैं। तुम हमारे मंत्री को ढूंढ के ये संदेशा दो और तब तक मेरे खाने पीने का इंतजाम करो। हम खुश तो तुम खुश, हम नाराज तो तुम। समझ गया महाराज, समझ गया। नंबर वन, नंबर वन तुम जाओ पतलू को ढूंढो, और नंबर टू तुम महाराज के खाने की सप्लाई देते रहो। अरे वो पतलू अभी तक आया क्यों नहीं? उसका पेट है या गोदाम? हा? खाना खत्म ही नहीं कर रहा। अब तो पैसे भी नहीं है और खरीदने के लिए। अरे दरबान सुनो। दरबान का मुझे? जी महाराज। हमने किसी सिपाही को खाना लाने भेजा था, वो अभी तक आया नहीं। आता ही होगा महाराज। मंत्री जी आ गए। आप रुपए लाए हैं? महाराज की जय हो। महाराज आपने 20 करोड़ रुपए का संदेश भेजा था, लेकिन इतने कम समय में 20 करोड़ रुपए लाना मुश्किल था। कोई बैंक नहीं दे रहा था, इसलिए 20 करोड़ सोने के सिक्के ले आया। नंबर दो, सुना 20 करोड़ सोने के सिक्के। उसे उठाओ, अभी सिक्के मिले नहीं। उस बॉक्स में है, ले लो। रेमिस चिंगम, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। जॉन हमारे पास कुछ खजाना नहीं, सिर्फ ये सोने का मुकुट है। जो इसे ले लिया ये उसका। मुझे दो, मेरा नहीं छोड़ूंगा। खामोश, ये सब क्या हो रहा है? I am King John, the Don. सिपाहियों यहाँ क्यों खड़े हो? जाओ फुरफुरी नगर को लूट लो, चोरी करो, डाका डालो, किसी को मत छोड़ो। मेरा खजाना भर दो और इस मोटे का पेट कलम कर दो।
बॉस, पेट कलम कर दूं या सर कलम कर दूं? इसका सर तो खाली है, पेट में ही सब कुछ है, पेट कलम कर दो। Name is Gingham. I mean King Chingham. I'm Raja Chingham. Raja Raj Chingham. Raja Vijaya Raj Chingham. Raja Vijaya Raj Iyer Chingham. बस बस समझ गए, और कुछ बोलना है या मुकुट छीने? ये क्या बोलता है जी? महाराजा चिंगम की जय हो, महाराजा विजय राजा अय्यर चिंगम की जय हो। महाराज, आपके राज में दो खतरनाक अपराधी और देशद्रोही आ गए हैं, आप कहे तो उन्हें खत्म कर दे। कौन है वो? खत्म कर दो, हमारे देश में कोई अपराधी नहीं होना चाहिए। लेकिन वो भाई कौन? बोलो 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 बोलो। महाराज, वो दोनों अपराधी ये है और पतलू। हाँ, मार दो, खत्म कर दो, छोड़ो मत। चिंगम सर, क्या कर रहे हो? हम मोटू पतलू हैं, आपके दोस्त। बचाओ। अभी तुम किसी का दोस्त नहीं रहेगा। आज मेरा बदला पूरा होगा। छोड़ ना मत, मार दो, खत्म कर दो। अरे कौन है, कौन है? अरे सो जा, क्यों चिल्ला रहा है? होगा कोई, जाने दे अब। क्यों चीख रहा है रे? चुप रहो, बॉक्सर का बच्चा है, उसे चुप कराने जाओगे तो वो तुम्हें जिंदगी भर के लिए चुप करा देगा। अरे चुप हो जाओ। अरे तू मार खाने का प्लान बना रहा है। बच्चे को चुप नहीं करा सकते तो पैदा क्यों करते हैं? जा यार, अभी वो रो रहा है, अगर वो चुप नहीं हुआ तो रात भर हम रो रहे होंगे। कौन है जो सुबह सुबह दरवाजा खटखटा रहा है? हेलो, मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया? नहीं नहीं, हरगिज नहीं। आप जैसा पड़ोसी तो ऊपर वाला सबको दे। पतलू पतलू, देखो कौन आया है। ओ, आप हैं, आइए आइए। मोटू पतलू, मेरा एक काम करोगे? क्या काम? हेलो बेटे, हाउ आर यू? मेरी पत्नी किसी काम से बाहर गई है और मुझे भी जाना है। मेरे बेटे को शाम तक अपने पास रख लो। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों मोटू? हरगिज नहीं, हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। क्या सोच रहे हो? जी हाँ, क्यों नहीं, ये तो हमारा सौभाग्य होगा, अगर मना कर दिया तो बड़ा दुर्भाग्य होगा। बॉक्सर का बच्चा है, बॉक्सिंग कर रहा है। लो संभालो इसे अब। अब इसका क्या करें? बच्चे को कैसे खिलाते हैं इसका मुझे कोई आइडिया नहीं। अरे खाना खिलाना कौन सा मुश्किल काम है, उसका मुंह खोलो, खाना अंदर डाल दो, अपने आप खा लेगा। अरे तुम्हें तो हर वक्त खाना खाने की पड़ी रहती है, मैं खेल खिलाने की बात कर रहा हूँ। ओ ये बात है, बच्चों को चोर सिपाही अच्छा लगता है, क्यों बेटा? सन्नी, कहाँ हो बेटा? सन्नी, कहाँ हो? बाहर आओ। अंकल। ओके, तो तुम चोर सिपाही खेल रहे हो, मैं आ रहा हूँ तुम्हें ढूंढने। आइडिया, सन्नी मैं आ रहा हूँ, रेडी रेडी। उसने हथौड़ी से मारा। मैं उसे छोड़ूंगा नहीं, पलंग उठा के साइड में कर दो। आइडिया, जल्दी कुछ सोच, क्या करें अब?
खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती। आइडिया, डॉक्टर झटका से मिलते हैं। चॉकलेट खाओगे? अंकल, चॉकलेट। ओए मोटू यार, ये बच्चा किसका है? ओए ओए मार सुटिया पापड़ वाले नू। उड़ी बाबा, मेरा 20 साल का तजुर्बा में ऐसा बॉक्सर बच्चा नहीं देखा। ये जरूर बॉक्सर का बच्चा होगा। हाँ, ये हमारे पड़ोसी बॉक्सर का है, शाम तक हमारे पास रहेगा। अब घर में लेकर दिन भर तो नहीं बैठ सकते, सोचा थोड़ा बाहर घुमा ले आए। ओ यार, हम सब इसे अभी घुमाने ले जाएंगे। हाँ, इसे उठाएगा कौन, बहुत भारी है ये। ओ यार, ये रिमोट से चलने वाली ट्रॉली है, इस रिमोट को दबाओ और ट्रॉली अपने आप चलने लगेगी, न धक्का देना न उठाना। बड़े भैया, तुम तो बहुत इंटेलिजेंट हो। ये लो संभाल के, तुम अपनी ट्रॉली खुद भी चला सकते हो। उसे पकड़ो। छोटा बच्चा रोड पर, बचाओ! अरे ये कहां से आ गया, बचाओ इसे, कोई तो बचाओ। तुम दोनों नीचे देखो, हम दोनों बास के ऊपर से चारों तरफ देखता है। रोको यार। सनी बेटे कहाँ हो तुम? अगर सनी नहीं मिला तो सनी नहीं मिला तो बॉक्सर हमें कच्चा चबा जाएगा। सनी रुक जा मेरे बाप, रुक जा, फिर देख कैसा मजा चखाता हूँ। अरे उसे डरा मत, प्यार से बोला, प्यार से। अंकल। मोटू, वो कहीं दिख नहीं रहा? एक बार मिल गया तो जिंदगी भर नहीं भूलेगा मुझे। ये हम दोनों झुके झुके क्यों हैं? हम तो पाइप के बाहर हैं। ओ, भूल गया। वो यही है, चलो दोनों अलग अलग पाइप में देखते हैं। सनी, सनी! सनी बेटे कहाँ हो तुम? अरे मोटू भाई, रुको, कुछ करो। खाली पेट मेरे दिमाग की बत्ती नहीं चलती, तुम कुछ करो। सनी मेरे लाल, मेरे नीले, मेरे हरे, पीले, एक बार मेरे हाथ आ जा, फिर देख क्या करता हूँ। प्यार से मोटू, प्यार से बोल। नहीं नहीं बेटे, मत जा, रुक जा, मैं तुझे समोसे दूंगा, चॉकलेट दूंगा, रुक जा मेरे बाप।
उसे ढूंढ दो वरना बॉक्सर हमारा कीमा बना देगा। प्लीज चिंगम सर प्लीज। Why fear when Chingam is here? Chingam ke changul se bachna impossible. Bole to impossible. वो रहा। इस बार बच ना पाए। चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। सनी, देखो कौन आया है। रुक जाओ बेटा, हम तुम्हारे लिए चॉकलेट लाए हैं, रुकोगे तो देंगे। सन्नी, चिंगम के चंगुल से बचना इम्पॉसिबल, बोले तो इम्पॉसिबल। आई कमांड यू इन द नेम ऑफ लॉ। रुक जाओ। आजा बेटा। मैंने उसे रोक दिया। चिंगम बोलेगा तो रुकना ही पड़ेगा। वो रुका नहीं जा रहा है, देखो। अब क्या करें? चल सामान लेकर हिमालय पहाड़ में छुप जाते हैं। उसने हमें पकड़ लिया तो सोच क्या होगा। तो तुम दोनों आ गए। हमारी कोई गलती नहीं है। माफ कर दो। अरे ये क्या कर रहे हो? तुमने तो मेरे सनी का इतना अच्छा ख्याल रखा कि मैं भी नहीं रख सकता था। हमारी कोई गलती नहीं। वो देखो कितने आराम से सो रहा है। इसकी तो चॉकलेट लेने गए थे, फिर सोचा ज्यादा चॉकलेट खाने से इसके दांत खराब हो जाएंगे, इसलिए नहीं लाए। तुम दोनों महान हो, दूसरों के बच्चों से कितना प्यार करते हो। जितने प्यार से तुम लोगों ने इसे सुलाया मैं भी नहीं सुला सकता था। पता है रात भर वो रोता रहा, चिल्लाता रहा। अच्छा, रात भर वो रो रहा था। अब पता नहीं, हम तो सो रहे थे, वैसे बच्चा है रोएगा ही, हम भी छोटे थे तो रोते थे। कितने समझदारी की बात करते हो तुम। मैंने फैसला कर लिया है। कैसा फैसला? तुम दोनों इससे इतना प्यार करते हो कि आज से जब भी मैं बाहर जाऊंगा इसे तुम्हारे पास छोड़कर जाऊंगा। क्या?